अस्सलाम वालेकुम। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च में एक खातून रिपोर्टर जान बहक हो गई हैं। ये कंटेनर के नीचे आकर जान बहक हुई हैं। फाइव न्यूज़ चैनल जो है इनकी ये रिपोर्टर हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ की, और इस हादसे के बाद पीटीआई का ये लॉन्ग मार्च था जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये रिपोर्टर सदफ़ फ़हीम कंटेनर के ऊपर से बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गई थी और कंटेनर के नीचे से आकर जान बहक हो गई। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे और उनके घर वालों को सब्र दे। सदफ़ फ़हीम के बैलेंस बिगड़कर कंटेनर से गिर कर जान बहक होने पर इमरान ख़ान ने अफसोस का इजहार किया और लॉन्ग मार्च को जो है मुलतवी कर दिया गया है। कल ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा। वैसे आज ये थोड़ा सा और ट्रैवल कर सकता था, लेकिन सदफ़ आरिफ जान बहक हो गई जिसकी वजह से इसको रोकना पड़ा। ये एक अफसोसनाक खबर है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च में सदफ़ फ़हीम, जो कि एक न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं, इनका हादसे की वजह से डेथ हो चुकी है।